जैसे आज मैं आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, मतलब मैंने नहीं, मेरी सिस्टर ने मंगाया था अद्विक के लिए। ये है LCD, है राइटिंग टेबलेट है, और ये पेपर को सेव करता है, मतलब आप इसमें नो पेपर नो चॉक, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जिन्होंने अभी लिखना स्टार्ट किया है, मतलब जिन्होंने अभी लिखने में जिनकी प्रैक्टिस हो रही है, जो लिखना स्टार्ट किए हैं, मतलब तीन साल से की उम्र से बच्चे से लिखना स्टार्ट करते हैं, तो ऐसी उम्र के बच्चे के लिए ये बहुत सही है। आप किसी भी उम्र के बच्चे को दे सकते हैं, मैंने अद्विक को दिया है, अद्विक की उम्र 5 साल की हो गई है, लेकिन उसको ही बहुत पसंद आया है ये। और इसमें जैसे लिखा हुआ है पेंटिंग, ड्राफ्टिंग, प्रैक्टिस, कैलकुलस, कुछ भी आप कर सकते हैं। बच्चे को बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा लगता है इसमें काम करना, इसमें लिखना, और बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट भी दिखाते हैं क्योंकि ये एक ना मैजिक की तरह काम करते हैं। मैं भी दिखाऊंगी कैसे काम करता है। और ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ये 1 लाख तक के पेपर्स को सेव करते हैं, क्योंकि बच्चे लिखते हैं बार बार, इरेज करते हैं, तो उनको अच्छा भी लगता है और उनकी जो है ग्रिप भी बनती है और उनकी राइटिंग में इंटरेस्ट भी आता है, और पेपर भी सेव होते हैं, क्योंकि बच्चे जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्क्रम्बल करते हैं और पेपर्स ख़राब कर देते हैं। तो आप बच्चों को अगर लिखने की प्रैक्टिस डलवाना चाहते हैं तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इसको यूज कैसे करना मैं वो भी दिखाऊँगी। तो ये आप किसी भी एज के बच्चे को दे सकते हैं, जैसे अद्विक की एज 5 साल है, तो मैंने उसको भी दिया है। तो ऐसा नहीं है कि उसको तो लिखना आता है लेकिन फिर भी उसको बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है कि बड़ी उम्र के बच्चे नहीं यूज कर सकते हैं। और ये लेकिन मैंने एक पर्पज बता दिया है कि जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अब इसको यूज कैसे करना है मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इस तरह की LCD में मिल जाती है, इसके साथ ये एक पेन है जो यहाँ पे पेन होल्डर में लगा हुआ है, और यहाँ से ये इरेज करने का ऑप्शन है, और पीछे से ऑन और ऑफ़ करने का ये दिया हुआ है। यहाँ से आप ऑफ़ कर देंगे और यहाँ से ऑन कर देंगे। अभी जैसे मैंने ऑन किया हुआ है इसको, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, मतलब ऑन ऑफ़ का बहुत इजी ऑप्शन है, इजी टू यूज है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बच्चे अपने आप यूज कर लेंगे और अपने आप ऑन ऑफ भी कर लेंगे। अब मैं इसमें लिख के दिखाती हूँ कि कैसे इसमें लिखते हैं, कैसे इसमें रिमूव होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का पेन है, मैंने पेन निकाल लिया है, और अब जैसे मैं इसमें कुछ भी लिखती हूँ, जैसे मैं अपना नाम लिख रही हूँ, ये मैंने अपना नाम लिखा है, और आप इसमें कुछ भी आप ड्रा कर सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और जब आपको लगे आपने लिख लिया है तो आप यहाँ से इस बटन पर जाके इसको इरेज कर देंगे। जैसे मैं इस बटन को प्रेस करूँगी ये जो भी लिखा हुआ है वो मिट जाएगा। और ये जो आप निशान देख रहे हैं ना, ये आप जानते हैं बच्चों के हाथ में कोई चीज़ चली जाती है तो उस पर किसी भी चीज़ से यूज करना स्टार्ट कर देंगे। उसने इस पर कोई शार्प चीज़ चला दी है, हम लोग ध्यान नहीं दे पाए, तो इसलिए इसका निशान बना हुआ है। अदरवाइज ये बहुत अच्छा है, आप इसमें कुछ भी लिखेंगे, कितनी बार भी लिख सकते हैं। और बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है जब वो लिख के इरेज करते हैं, तो उनको बहुत इंटरेस्ट आता है कि लिखा है और तुरंत ही एक बटन दबाया और ये पूरा गायब हो गया। तो इस तरह से ना उनका जो राइटिंग में इंटरेस्ट होता है वो इम्प्रूव होता है। आप जो बच्चे जिन बच्चों ने भी लिखना स्टार्ट किया या जो बच्चे लिखने में कतराते हैं, क्योंकि बच्चों को ओरल पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लिखने में उनको उतना मज़ा नहीं आता है, तो आप इस तरह की चीज़ें देखकर उनका राइटिंग में इंटरेस्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आप किसी भी एज के बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है उन बच्चों के लिए जो उन्होंने भी लिखना स्टार्ट किया है। इसमें कोई मेस भी नहीं फैलना है, कुछ भी नहीं होना है, बच्चे आराम से जगह बैठ के लिख सकते हैं और उनका जो है इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और बाकी चीज़ें वो बिजी भी रहेंगे, मतलब जो मोबाइल और टीवी में समय जाता है, आप नई चीज़ उनको लाकर इस तरह चीज़ें दोगे तो उनका टाइम भी अच्छे चीज़ों में जाएगा। तो आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।